स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्मफल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम सूत्र 29 तक पढ़े थे, ठीक है। अब सूत्र 30 हमारा चलेगा। तो हमारा विषय क्या चल रहा था जी, कि जो वैश्वानर ब्रह्म है उसका स्थान हृदय क्यों बताया गया है ना, और ये किसका मत है, ठीक है ना जी। दूसरा, जो आचार्य आसमरथ्य हैं उनका वैश्वानर ब्रह्म के विषय में क्या मत है। अब इसी विषय को सूत्र 30 में भी कहा गया है कि ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला क्यों कहा गया है, ठीक है ना। वही बात है, उसको घुमा दिया गया है। तो लिखिए सूत्र 30 का प्रश्न लिखिए। ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला क्यों कहा गया है, कोई प्रमाण दे करके, या ऐसा करिए कोई हेतु करिए, कोई हेतु देकर सिद्ध करिए। हाँ, ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला क्यों कहा गया है। ये बाद्री का मत है ना, ये तो हाँ, इसमें बाद्री क्या मत है। नहीं, ऐसा करिए ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला कहा गया है, करिए ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला कहा गया है, इसमें बाद्री जी की मान्यता है, स्पष्ट करिए। बाद्री व्यास जी के पिता हैं, महर्षि व्यास के पिता है बाद्री। हाँ, आचार्य बाद्री लिखो, आचार्य आचार्य, यहाँ पर भाष में आचार्य आचार्य का है। तो प्रश्न क्या बनेगा, ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला कहा गया है, इसमें आचार्य बाद्री जी का क्या मत है। ठीक है, ये प्रश्न ठीक हो गया। ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला कहा गया है, इसमें आचार्य बाद्री जी का क्या मत है, या बाद्री जी क्या मानते हैं इस विषय में, बाद्री जी क्या मानते हैं, ये भी अच्छा है, ठीक है। चलो, अब इसका उत्तर है अनुस्मृते बाद्री ही, ये सूत्र है। हाँ, अनुस्मृते है बाद्री ही। अब इस सूत्र आप लिखिए कि बाद्री जी क्या मानते हैं, ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला कहा गया है तो इसमें बाद्री जी क्या मानते हैं, उनका मत क्या है, उत्तर लिखिए। सूत्रार्थ 30, मन के द्वारा विशेष ध्यान करने से, मन के द्वारा विशेष ध्यान करने से ईश्वर से हृदय प्रदेश में मिलना होता है, ईश्वर से हृदय प्रदेश में मिलना होता है।
इसलिए ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला इसलिए ब्रह्म को हृदय प्रदेश वाला कहा गया है, ऐसा आचार्य बादरी ब्रैकेट में व्यास जी के पिता, ऐसा आचार्य बादरी ब्रैकेट के अंदर व्यास जी के पिता मानते हैं। ठीक है ना? तो क्यों मानते हैं? क्योंकि मन के द्वारा विशेष ध्यान करने से ईश्वर से हृदय प्रदेश में मिलना होता है। हाँ भाई, सब समझ लो, कहाँ मिलना होता है ईश्वर से? हृदय प्रदेश में मिलना होता है, इसलिए उसको हृदय प्रदेश वाला कहा गया है। ऐसा आचार्य बादरी जी का मत है, अथवा वह ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब प्रमाण ये दिया देखो कि परमात्मान स्थानम हृदय प्रदेशम मन्यन्ते, परमात्मा के स्थान को हृदय प्रदेश माना गया है। तो हृदय प्रतिष्ठम यदजरम जविष्ठन तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, कहा है कि जो हृदय प्रदेश में स्थित है मन, और मन स्थित है तो यहाँ पर आत्मा भी स्थित है, और यहीं पर परमात्मा स्थित है। तो मन के द्वारा ध्यान करते हैं, और मन कहाँ स्थित है? हृदय प्रदेश में स्थित है, और हृदय प्रदेश में ही उससे मिलना होता है। याद रखना, मन के द्वारा ध्यान करेंगे तो कहाँ मिलना होगा? हृदय प्रदेश में मिलना होगा ईश्वर से। मन माध्यम बनता है, इसलिए कोई कहे कि मन की कोई आवश्यकता नहीं है तो भी ठीक नहीं है। मन की आवश्यकता है, ठीक है, ईश्वर की अनुभूति करने में मन की आवश्यकता है, समझ गए ना? तो मन के माध्यम से ध्यान करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे, तो हृदय प्रदेश में ईश्वर से मिलना होगा, इसलिए उसको क्या कहा गया है? हृदय प्रदेश वाला कहा गया है। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या कहा गया देखो, बादरी आचार्यो व्यासस्य पिता, बादरी आचार्य कौन है? व्यास जी के पिता हैं, स्पष्ट हो गया ना? तो वो कहते हैं अनुगत्य स्मरणम अनुस्मृति विशेष ध्यानम तस्मात विशेष ध्यानात मनोयोग ध्यानात एवं परमात्मनः स्थानम हृदय प्रथम मन्यते, कि जो आचार्य बादरी हैं वे ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि जान करके स्मरण करने से, देखो अनुगत्य माने जान करके, और स्मरण माने स्मरणम अनुस्मृति विशेष ध्यानम, सब एक ही अर्थ है कि समझ करके जान करके और स्मृति पूर्वक, जिसको कहा है यहाँ पर अनुस्मृति, तो अनुस्मृति से जब विशेष ध्यान किया जाता है हृदय प्रदेश में, तो जब परमात्मा का हृदय प्रदेश में विशेष ध्यान किया जाता है मन को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके, निरुद्ध करके, तो उस समय परमात्मा का हृदय प्रदेश में ही मिलना होता है। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि मनोयोग ध्यानाति वो, मनोयोग पूर्वक ध्यान करने से, विशेष ध्यान करने से, परमात्मन स्थानम परमात्मा के स्थान हृदय प्रदेश है, तो वहाँ पर उससे मिलना होता है, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। तो यह तो ही मनुष्य स्थानम हृदय प्रदेश है, क्योंकि मन का स्थान कौन सा है? हृदय प्रदेश है, और मन के माध्यम ध्यान करेंगे तो यह कहा है हृदय प्रतिष्ठम, जो हृदय में प्रतिष्ठित है, तन्मय मन शिव संकल्प, तो वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, तो मन हृदय प्रदेश में स्थित है, तो ध्यानम अर्थवा विशेष ध्यानम मनसा ही क्रियते, विशेष ध्यान है वो किसके माध्यम से होता है? मन के माध्यम से होता है, और वो मन तच्च मनो हृदय प्रदेश है, और वो मन कहाँ रहता है? हृदय प्रदेश में। तस्मात इसलिए विशेष ध्यानात मनोयोग ध्यानात परमात्मन स्थानम हृदय प्रदेश से होता ही थी, विशेष ध्यान से मनोयोग पूर्वक ध्यान से परमात्मा के मिलने के स्थान हृदय प्रदेश निश्चित किया गया है। तो मनोयोग पूर्वक ध्यान करेंगे तो परमात्मा को कहाँ मिलेंगे? हृदय प्रदेश में मिलेंगे, मन के माध्यम से मिलेंगे। तो ये
आचार्य बादरी जी का मत है, ऐसा आचार्य बादरी जी मानते हैं। तो सार यही निकला कि मन हृदय प्रदेश में है और इसी मन के माध्यम से ध्यान करने से परमात्मा से हृदय स्थान में ही मिलना होता है। तो इसलिए परमात्मा के स्थान भी हृदय प्रदेश कहा गया है और वह हृदय देश का वासी है परमात्मा, मिलने की दृष्टिकोण से कहते हैं। वैसे तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका साक्षात्कार कहाँ होगा? हृदय प्रदेश में होगा। इसलिए परमात्मा को हृदय प्रदेश वाला कहा गया है और ऐसा आचार्य बादरी भी मानते हैं। ये हो गया सूत्र 30। अब सूत्र 31 देखो, संपत्ते इति जैमिनी ही है ना, तथा ही दर्शयति। तो अब सूत्र 31 देखो, सूत्र 31 में क्या कहा है, आचार्य जैमिनी का क्या मत है देखो। हाँ, पहले क्या पढ़े थे, आचार्य बादरी, अब आचार्य बादरी के बाद पश्चात जैमिनी का मत मानते हैं। तो प्रश्न लिखिए, किस हेतु से, किस हेतु से माने ब्रैकेट में करो, किस कारण, किस हेतु से ब्रैकेट में किस कारण वैश्वानर ब्रह्म, वैश्वानर ब्रह्म शरीर आदि अंगों के नाम से, शरीर आदि अंगों के नाम से उपदिष्ट है। किस हेतु से बराबर किस कारण वैश्वानर ब्रह्म शरीर आदि अंगों के नाम से उपदिष्ट है और ये किसका मत है, और ये किसका मत है, ठीक है ना। तो ये सूत्र आ गया 31 का, संपत्ति इति जैमिनी ही तथा ही दर्शयति, ये सूत्र में उत्तर हुआ। अब सूत्रार्थ लिखिए 31, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या था जी, कि किस हेतु से अर्थात किस कारण वैश्वानर ब्रह्म शरीर आदि अंगों के नाम से उपदिष्ट है। उत्तर लिखिए, परमात्मा की प्राप्ति के हेतु से, परमात्मा की प्राप्ति के हेतु से वैश्वानर ब्रह्म, वैश्वानर ब्रह्म शरीर आदि अंगों के नाम से, शरीर आदि अंगों के नाम से उपदिष्ट है, शरीर आदि अंगों के नाम से उपदिष्ट है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। और ऐसा ही, और ऐसा ही सतपथ ब्राह्मण दिखलाता है, और ऐसा ही सतपथ ब्राह्मण दिखलाता है। ठीक है जी, तो ये हम पहले पढ़े थे, जिसे इसमें क्या कहा कि वैश्वानर ब्रह्म शरीर आदि अंगों के नाम से उपदिष्ट है। तो ये कहाँ पढ़े थे हम, तो देखो आपको याद होगा कि वैश्वानर आत्मा, जिसकी विषय में कहाँ पढ़े थे हम कि द्यूलोक में, भूलोक में मूर्धाधि जो हम पढ़े थे, हैं हाँ मूर्धा सुतेजा है ना, वही पढ़े थे। और वस्त्र, हाँ, और मतलब जो पैर उसके पृथ्वी हैं या पृथ्वी उसका पैर है, और द्यूलोक उसका सुतेजा मूर्धा लोक है, ये पढ़े थे। और नदी नाले आदि सब उसके मूत्राशय हैं, मूत्राशय बस्ती प्रदेश से है, ऐसे पढ़े थे। तो ये जो हम अंग रूप में पढ़े थे, सूर्य चंद्र आँख है, ये कहाँ पर आया था, अभी तो आया था देखो,
द्यौ स्वतेजा मूर्ध्न स्थाने पृथ्वी पाद स्थाने, ये पढ़े थे। और वेद मंत्र भी आया था, यश्च सूर्यश्चक्षु चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मे ज्येष्ठ ब्रह्मणे नमः, ये पढ़े थे। यश्च भूमिः प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ये पढ़े थे हम। यहाँ पर तो अंग रूप में कहा गया भाई, वैष्णव ब्रह्म के शरीर आदि अंग रूप में यह उपदेश हुआ है। ये क्यों? ये परमात्मा की प्राप्ति के हेतु से ऐसा उपदेश हुआ है, ऐसा आचार्य जैमिनी जी का मत है। और जो शतपथ ब्राह्मण वो भी दिखाता है, चुबकम उपदिशन्नु उवाच ऐसा वे प्रतिष्ठा वैष्णव रहती, ये शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण दिया जा रहा है। नासिका में भी कहा है चक्षुष्य या चक्षुष्य उपदिशन उवाच ऐसा सुतेजा वैष्णव रहती, आँख में कहा है चक्षुष्य, फिर नासिके नासिका में है, ये सब उसका आ रहा है। पृथक वर्तमा वैश्वानर और बहुलो वैश्वानर रई वैश्वानर, ये सब वैश्वानर वैश्वानर है, रई के रूप में, बस्ती के रूप में, और पृथक वर्तमा के रूप में, मूर्धा के रूप में, नासिका रूप में, ये सभी उसके अंगों के रूप में मिलता है वर्णन। ये परमात्मा के सब अंग हैं, ठीक है जी। तो यह आलंकारिक वर्णन हमको देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण में भी। तो ये ब्रह्म जो है वैश्वानर ब्रह्म है, तो वैश्वानर ब्रह्म इसके शरीर के अंगों के रूप में इन सब का उल्लेख हुआ है कि जो वैश्वानर ब्रह्म है उसके एक शरीर की कल्पना की गई है। हाँ जी, उसका कोई शरीर है और उस शरीर में ये सूर्य चंद्र आँखें हैं, ये नदी नाले सब कैसे हैं उसके मूत्राशय के समान वस्ती प्रदेश हैं, और एक जगह आता है ये पहाड़ आदि उसके अस्थि समान है, कंकाल समान है, ऐसे भी आता है वर्णन हैं, जिस अध्याय में आता है ना। तो भाई ऐसा ऐसा मिलता है वर्णन। और जो सारे ब्रह्मांड की वायु है उसके प्राण के रूप में ये उसका प्राण है, ये वो भी आता है। हाँ, तो कई जगह आता है इसे। तो ये इस आधार पर कहा गया है कि उस ब्रह्म के ये शरीर के अंग हैं, यद्यपि ये आलंकारिक कथन है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, रूपक अलंकार है ये। तो ये हो गया सूत्र 31। और अब क्या रहा है सूत्र 32। आमनन्ति च एनम अस्मिन, सूत्र 32 का प्रश्न लिखिए। वैश्वानर परमात्मा ही है, जो वैश्वानर है वह परमात्मा ही है। वैश्वानर अल्पविराम दे दो, परमात्मा ही है। इसमें और भी कोई हेतु दे करके, इसमें कोई और भी हेतु दे करके इसे सिद्ध करो, स्पष्ट करो। तो उसी बात को बार बार दोहरा जा रहा है कि वैश्वानर जो है वह ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। एक तो यह सब बता दिया, अंग रूप में बता दिया गया, और हेतु और कोई हेतु मांग रहा है कि और भी कोई बताओ तो सही कि वैश्वानर परमात्मा ही है, और अग्नि आदि रूप में इसका उल्लेख नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर भी आध्यात्म प्रकरण में पहले ही पढ़े थे हम, वैश्वानर शब्द आ रहा है उपनिषद में, और वे आध्यात्म प्रकरण में वो ब्रह्म के लिए आता है, परमात्मा के लिए आता है। इसी बात को और सिद्ध करो कह रहा है। तो उत्तर लिखिए 32 का, सूत्रार्थ 32 लिखिए, उत्तर 32 लिखिए। इस वैश्वानर को, माने यहाँ पर जो चर्चा है वैश्वानर की उसकी, इस वैश्वानर को सांदोग्य प्रकरण में, छांदोग्य प्रकरण में छांदोगा लोग अर्थात छंदों के द्वारा गाने वाले लोग, छांदोग्य प्रकरण में छांदोगा लोग अर्थात
छंदों के द्वारा गाने वाले लोग उनको बोलते हैं छंदोगा, जो छंदों के द्वारा गान करते हैं परमात्मा का। समझ में आ गया? जो छंदों के द्वारा परमात्मा का गुणगान करते हैं उनको बोलते हैं छंदोगा। तो क्या लिखे, इस वैश्वानर को छंदोग्य प्रकरण में छंदोगा लोग, अर्थात छंदों के द्वारा गायन करने वाले लोग, गाने वाले लोग ब्रह्म के अर्थ में पढ़ते हैं, ब्रह्म के अर्थ में पढ़ते हैं। इसलिए भी वैश्वानर परमात्मा ही है, वैश्वानर परमात्मा ही है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें आया है जी छंदोगा लोग, तो छंदोग्य प्रकरण में जो छंदों के माध्यम से गुणगान करते हैं ईश्वर का वे छंदोगा कहलाते हैं। तो वे लोग ऐसा पढ़ते हैं और वैश्वानर को वो ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म रूप में पढ़ते हैं, तो भी एक हेतु दिया गया। तो इसलिए भी सिद्ध होता है कि जो वैश्वानर है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तो सतपथ ब्राह्मण में भी ऐसा आता है, सतपथ ब्राह्मण में तो जहाँ कहीं भी ऐसा चलता है प्रकरण, वहाँ पर वैश्वानर को ब्रह्म के रूप में पढ़ा गया है। और ये छंदोगा लोग या छंदोगा लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है जी, छंदों के द्वारा गायन करते हैं और क्या बोलते हैं, वैश्वानर ब्रह्म है। तो वैश्वानर को ब्रह्म रूप में पढ़ते हैं वे, इसलिए भी जो वैश्वानर है वो परमात्मा ही है ऐसा जानना चाहिए, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। तो ये हो गया सूत्र 32, तो ये पाद भी पूरा हो गया। तो प्रथम अध्याय का ये द्वितीय पाद संपूर्ण हुआ, आगे पढ़ेंगे तृतीय पाद। आज के पाठ को विराम। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी।